मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सारा गगन बोल रहा है, धरती बोल रहा है, सरकार की खुशबू है चमन बोल रहा है। बहुत खूब सरकार शिकायत नहीं करेंगे, जो कहीं तो कहीं नहीं भी अब बढ़ो, ये खाजा मजदूर का राग होगी तो खाता चल रहा है, उन्हीं के नाम से हम सुखी है। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब संजर के इलाके में आए तो 40 दरवेश को लेकर आए, अल्लामा हदीसुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, 40 दरवेश को लेकर आए तो राजा पृथ्वी राज ने क्या कहा था, जब दीन की तबलीग के लिए आपने तबलीग की थी कि कलमा पढ़ ले तो कहा चरिंद पानी पिए, परिंद पानी पिए, सब पानी पिए, ख्वाजा के चाहने वाले को पानी ना दिया जाए बल्कि उनके चाहने वाले पानी लेने भी गए, सिवा लगा के धक्के मार के निकाल दिया, ख्वाजा ने लड़ाई नहीं कहते शुरू है कहते चलाओ, झगड़ा नहीं किया, कोई चीज नहीं की, क्या दिखा दिया, राम अल्लाह वाले है ना। अब फिर देखिए हिंदू के बादशाह दिल के वो इल्म ख्वाजा दिखाने के बाद में क्या देने के बाद में तू बताना चाहता हूँ प्यारों की ये ख्वाजा मेरी नमाज की ताकत है तो नबी की ताकत नबी की ताकत का आलम क्या होगा। ख्वाजा मईनुद्दीन ने एक काशा दिया फकरा को कहो लेकर जाओ और चलने के बाद में अनस सागर से कह दो कि तुझे ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बुलाया है। जब फकरा गया था तो चलने के बाद में एक काशे में पूरा अनस सागर को लेकर आया और उसने ख्वाजा का हुक्म सुना दिया, अरे ख्वाजा मईनुद्दीन का आलम यह है कि राजा पृथ्वीराज अगर पानी को कम कर देना तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वगैरह को काशा देकर यहाँ तक के पूरे अनस सागर के पानी को बुला ले तो मेरा नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, जब यूल का नबी है